ऑप्शन uh, है वन एंड टू ओनली वन ओनली टू बोथ आर रॉन्ग मीन्स की इन दोनों में से कौन सी कौन सा फिनोमिना सर्फेस टेंशन की वजह से होता है इसका आंसर है ऑप्शन ए बोथ द फिनोमिना डांसिंग ऑफ कैम्फर ऑन वाटर एंड फ्लोटेशन ऑफ निडल ऑन वाटर ये दोनों सर्फेस टेंशन की वजह से होते हैं नाउ द नेक्स्ट इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज रेज इफिस अगर हम किसी लिक्विड uh, का टेम्परेचर बढ़ा दें टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर दें तो उसके सर्फिस टेंशन के साथ क्या होगा वो इंक्रीज करेगा इररेग्युलर रहेगा मतलब कि पहले इंक्रीज अ डिक्रीज या फिर डिक्रीज ऐ इंक्रीज इस टाइप से या डिक्रीज करेगा या इक्वल टू विस्कॉसिटी रहेगा इसका आंसर है ऑप्शन सी डिक्रीज मतलब किसी टेम्परेचर का सॉरी किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा देने से उसका विस्कॉसिटी ज वेल एज सर्फेस टेंशन दोनों डिक्रीज करेंगे और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विस्कॉसिटी एज वेल एज सर्फेस टेंशन गोज डाउन मतलब सर्फेस टेंशन दोनों कम हो जाएंगे इन द केस ऑफ लिक्विड बट गैसेज केस में अलग है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो गैसेज की विस्कॉसिटी जो है वो इंक्रीज करती है बट लिक्विड के लिए डिक्रीज ही करेगी द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलॉप्टिकल ऑर्बिट इट्स स्पीड जिस हमारा अर्थ है ये सन है इसके अराउंड एक एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसकी स्पीड इस पाथ को फॉलो करते वक्त कैसी रहती है इज ग्रेटेस्ट इट क्लोजेस्ट टू सन मतलब कि क्या वो सबसे ज्यादा होती है जब वो सन के पास होता है या फिर ग्रेटेस्ट इज ग्रेटेस्ट इट इज फादेस्ट फ्रॉम द सन मतलब जब सबसे दूर होता है तब सबसे ज्यादा स्पीड रहती है एंड रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट ऑन द ऑर्बिट या फिर गोज ऑन डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली इसका आंसर है ऑप्शन सी रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट भले ही वो पास पर हो अपने पाथ पे सन से या दूर हो ये दोनों ही जगह उसका स्पीड जो है वो सेम रहेगा यहाँ पर भी उसी स्पीड से रिवॉल्व कर रही होगी जिस स्पीड से वो यहाँ पर पहुंचने पर होगी तो आंसर हो जाएगा इट रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट ऑन द ऑर्बिट ऑर्बिट के सारे पॉइंट्स में उसका स्पीड जो है वो सेम रहेगा बॉडी ऑफ इक्वल मास मूव विदोसिटी ऑफ टू वी एंड थ्री वी रिस्पेक्टिवली वेन दैन द रेशियो ऑफ द मैग्नेट सॉरी देन द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज दोनों बॉडी का मास जो है वो एम है मीन्स सेम है एम ले ले रहे हैं एंड उनकी जो विलोसिटी है वो टू वी एंड थ्री वी है हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर और इसमें मास कांस्टेंट है तो दोनों का मास एम रहेगा अब देखो वी का स्क्वायर करना हमें फर्स्ट वाली का है वेलोसिटी टू वी मीन्स टू टू ज फोर तो फर्स्ट तो फोर हो जाएगा फोर टाइम्स बढ़ जाएगी वेलोसिटी एंड सेकंड है थ्री वी विच मीन्स की थ्री टाइम्स थ्री का स्क्वायर मीन्स नाइन तो फोर इंस टू नाइन का रेशियो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन ए फोर इंस टू नाइन बिकॉज हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है

पावर इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू सॉरी वी स्क्वायर अपॉन आर मींस पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर अब हमें वी गिवन है तो टू फोर्टी का स्क्वायर करेंगे देन सिक्सटी मतलब की पावर गिवन है अब हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू टू फोर्टी का स्क्वायर बिकॉज वी गिवन है ना हमें टू फोर्टी का स्क्वायर अपॉन पी uh, आर की जगह आ जाएगा तो इट विल बी सिक्सटी सो अगर हम इसे सॉल्व करें इसका स्क्वायर करने के बाद डिवाइड कर दे सिक्सटी से तो इसका आंसर आ रहा है 960 Ohm. तो हो जाएगा 960 Ohm के equal, ठीक है R will be equal to 240 का मोबाइल फोन चार्जर इज एन अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड यू पी एस उसका आंसर है ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मीन्स लो वोल्टेज एंड हाई करेंट वाला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं जिनका वोल्टेज कम और करंट ज्यादा होता है एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब हाई वोल्टेज लो करेंट ट्रांसफार्मर सो मोबाइल फोन चार्जर इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर थैंक यू